ये रुद्रकांत बताएंगे आपको, बताइए। बिल्कुल, काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स थे जो हम सीन से पहले डिस्कस करते थे कि किस तरीके से सीन करना है, किस तरीके से नहीं करना है। तो एक सीन में जैसे हम साथ में थे एंड मैं उसी सीन में होने के बाद भी मैं वैसे ही उसी तरीके से बिहेव कर रहा था, नहीं जस्ट के अश्वथ की हाँ भाई ख़त्म हो गया अब चल ठीक है चल चलते हैं अब दूसरा सीन भी तैयारी हमें करनी है। तो कई कई बार ऐसे सीन्स होते थे, कई बार काफ़ी सेट पे जनरली ज़्यादा हंसी मजाक नहीं चलता था क्योंकि काफ़ी सब लोग सीरियस होते थे एंड सर भी काफ़ी सीरियस रहते थे। तो हम सीन के बाद जितना भी हमें हंसी मजाक करना है हम तभी करते थे। हाँ वो टाइम था लाइक सीन पे पैकअप होने के बाद आप कुछ भी करें, बट हाँ सेट पे सब बहुत सीरियस रहते थे बिकॉज सर भी बहुत सीरियस हैं तो वो फालतू का मजाक वगैरह ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं सेट पे। हाँ डिनर टाइम में हम लोग खूब मस्ती मजाक करते थे, बाद में हम लोग घूमने भी जाते थे एक साथ तो काफ़ी मजाक चलता रहता, सिर्फ रुद्र के साथ नहीं बाकी सारे गैंग मेंबर्स के साथ, तो वो चलता रहा। हाँ टीज़र इज़ अमेजिंग, सबके बहुत अच्छे व्यूज़ आए टीज़र को लेकर और सबका बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है, शॉट बहुत अच्छे हैं। अब हम सब लोग वेट कर रहे हैं ट्रेलर का एंड ट्रेलर आने वाला है एक दो दिन के अंदर और फिर उसके अंदर रिलीज डेट होगी, सो कमिंग सून। सी इन द एंड तो यही कहना चाहेंगे कि मूवी देखिए, पर क्यों देखिए इज़ बिकॉज इट्स फर्स्ट RGV फिल्म, सेकेंड ऑथेंटिक सिनेमा, थर्ड गैंगस्टर मूवी जो RGV डायरेक्ट करते हैं, RGV इज़ बाप ऑफ ऑल गैंगस्टर मूवीज़, एंड फोर्थ हम लोग आ रहे हैं तो देखिएगा ज़रूर।